इंडिया पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप अकेला होस्ट कर रहा है, यानी ऑल 48 मैचेस अक्रॉस 10 सिटीज। एंड इंडिया पाकिस्तान का जब मैच हो रहा था उस टाइम स्विगी क्लेम करता है कि 250 बिरयानी पर मिनट ऑर्डर करी जाती जा रही थी स्विगी से। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट ऑन एन एवरेज डे कॉस्ट करती है ₹2800, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच जो अहमदाबाद में हो रहा था उस टाइम पे दिल्ली से अहमदाबाद की फ्लाइट वॉज अप्रॉक्सीमेटली फॉर ₹7000, टू मच, लाइक मोर देन डबल्ड। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्लेम किया है कि जो वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हो रहा था उससे पहले कि ये जब तक टूर्नामेंट होगा इंडिया में, ये इंडियन इकोनॉमी में अप्रॉक्सीमेटली ₹22,000 करोड़ ऐड करके जाएगा। क्या ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सही हुए हैं, क्या हम इसके आसपास है? जानने के लिए स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू एक्वापॉइस क्लासेस। एंड Since it's World Cup fever everywhere in India, आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप एंड इट्स लिंकेज एंड रिलेशनशिप टू इंडियन इकोनॉमी। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट्स जस्ट क्विकली डेल्व इनटू यू नो लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री, जान लेते हैं कि ये मैचेस कब से शुरू हुए थे। सो पहला मैच हुआ था, पहला वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में इन इंग्लैंड। उस टाइम पे 60 ओवर्स के मैचेस होते थे, ट्रेडिशनल वाइट ड्रेस में खेले जाते थे विद रेड बॉल। लेकिन धीरे धीरे इसमें चेंज आया। कैसे आया? पहले तो वेस्ट इंडीज जो है वो डोमिनेट करता था, उसकी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। लेकिन ईयर 1983 आते आते अंडर द कैप्टनसी ऑफ कपिल देव इंडिया इमर्ज एज सरप्राइज विनर। ईयर 1987 आते आते यहाँ पे एक शिफ्ट आया, इंडिया ने पहली बार पाकिस्तान के साथ को होस्ट किया क्रिकेट वर्ल्ड कप। एंड ये ऐसा साल था, पहला साल था जब वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर गया था। ईयर 1992 आते आते अब जो यूनिफॉर्म वाइट ट्रेडिशनल ड्रेसेस थी उनमें कलर्स आने लगे, अब कलरफुल यूनिफॉर्म्स का यूज़ होने लगा। ईयर 1996 में वापस से इंडिया ने पाकिस्तान ने, लेकिन इस बार श्रीलंका ने भी वर्ल्ड कप मैचेस को होस्ट करा। ईयर 2011 आते आते इंडिया वॉज प्राइमरी होस्ट, लेकिन उसके साथ बांग्लादेश और श्रीलंका में भी कुछ कुछ मैचेस हुए थे। लेकिन ये एक ऐसा ईयर था जब मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स थी इस टूर्नामेंट में, दैट इज 14। सो 14 टीम्स ने पार्ट लिया था इस टूर्नामेंट में एंड दैट वॉज द मैक्सिमम नंबर। एंड उस ईयर अंडर द कैप्टनसी ऑफ एम एस धोनी इंडिया इमर्ज एज अ विनर अगेन। बात कर लेते हैं गवर्निंग बॉडी की। सो BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है फॉर क्रिकेट इन इंडिया। एंड एक टाइम ऐसा था जब 1983 में मैचेस हो रहे थे लॉर्ड्स में, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था, एंड जो BCCI के प्रेसिडेंट थे उस टाइम NKP सालवे, उन्हें 2 एक्स्ट्रा टिकट चाहिए थी मैच की और उन्हें नहीं मिली थी। एंड कट टू आज की डेट में BCCI इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बोर्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ये ट्रांजिशन आया जगमोहन दालमिया के आने से। जगमोहन दालमिया एक ऐसा एक्यूमेंट लेकर आए अपने साथ, इतना स्ट्रैटेजिक एक्यूमेंट लेकर आए कि उन्होंने इंडिया के जो क्रिकेट है, जो क्रिकेट ओवरऑल माना जाता है, उसकी फाइनेंशियल सक्सेस एंड ग्लोबल रिकग्निशन में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करा ओवरऑल। सो जगमोहन दालमिया एक्चुअली प्लेड अ मेजर रोल इन यू नो जस्ट बूस्टिंग अप BCCI एंड यू नो मेकिंग इंडियन क्रिकेट so powerful all across the world. इसी के साथ इस बार year 2023 में पहली बार है जब इंडिया अकेले without any co-host सारे matches, यानी all 48 matches across 10 cities अकेले ही host कर रहा है। And जैसा कि मैंने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा predict करता है कि इस बार ये जो matches शुरू हुए थे हमारे 5th October से and continue होंगे 19th November तक, ये matches बहुत ज़्यादा revenue देके जाने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी को। सो हाउ दिस क्रिकेट वर्ल्ड कप इज गोइंग टू हेल्प इंडियन इकोनॉमी एंड रेवेन्यूज कैसे जनरेट होंगे, कौन से सेक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, बात कर लेते हैं इस टॉपिक की। सो सबसे पहले आता है प्राइस पूल। सो ओवरऑल इस मैच के लिए जो प्राइस पूल रखा गया है दैट इज ऑफ $10 million, विच इंक्लूड्स प्राइस फॉर द विनर्स, प्राइस फॉर रनर अप, प्राइस फॉर सेमी फाइनलिस्ट एंड एवरीबडी। सो इट इज अ होलिस्टिक प्राइस पूल। ओके, देन इफ वी टॉक ऑफ मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट राइट्स, सो हाउ दिस इज गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू। सो मीडिया राइट्स की अगर बात करें, सो डिज्नी स्टार दैट वॉज प्रीवियसली नोन एज स्टार इंडिया, सो इट हैज एक्सक्लूसिव राइट्स
फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप. ओके, एंड यहाँ पर क्या होता है कि अब ये एक्सपेक्टेड है कि इट विल जनरेट अराउंड $300 million. इट कैन बी मोर, यू नो, इट कुड बी लेस, इट्स जस्ट एन एक्सपेक्टेड वैल्यू. एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये सब जनरेट करा जाएगा थ्रू एडवर्टीजमेंट्स एंड स्पॉन्सरशिप्स बोथ, यू नो, ऑन टेलीविजन एंड ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. इसी के साथ साथ अगर बात करें पार्टनरशिप्स की, सो यू नो इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू नो ओवरऑल रेवेन्यू जनरेशन वुड बी समवेयर क्लोज टू $150 million from 20 partners and sponsorships. And you know, the partners are like Upstox, Vira 91, Mastercard, and you see MRF tires, you know, etc. Like there are total 20, and you see that, you know, when you start generating revenue from these are majorly Indian companies. So it is also expected that they will invest heavily into the marketing and on ground advertisement and on ground things. So this is how revenues will be generated. If we talk of the next part or the next sector, which is you know, tourism and hospitality. So every year जो भी वर्ल्ड कप होस्ट करता है या जब भी वर्ल्ड कप होता है और वर्ल्ड कप होस्ट कंट्री जो होती है वो देखती है इंटरनेशनल टूरिस्ट में बहुत ज़्यादा सर्ज हो जाता है. इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं और आपके वो लोकल कम्युनिटी को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. सो आपका ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूम मिलता है एंड यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का हमेशा स्कोप रहता है. तो इसीलिए अगर हम बात करें booking.com के डेटा की, तो booking.com कहता है कि आउट ऑफ यू नो टॉप 10 मोस्ट इन डिमांड इंडियन नेशंस लाइक इंडियन सिटीज जहाँ पे लोग आना चाहते हैं, टूरिस्ट आना चाहते हैं, उनमें से 7 आर द होस्ट सिटीज. सो बेसिकली 1 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर तक का ये है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा लोग आना चाहते हैं. सो दोज आर 10 सिटीज आउट ऑफ द टॉप 10 आर बेसिकली द होस्ट नेशंस. लाइक यू नो यू सी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद एंड हैदराबाद, यू नो चेन्नई, बेंगलुरु. सो दीज आर द सिटीज वेयर पीपल वॉन्ट टू कम बिकॉज इट इज होस्टिंग दिस वर्ल्ड कप. एंड अगर आप देखोगे सो क्रिकेट एंथूजियास्ट बाहर कंट्रीज में बहुत ज़्यादा हैं. जैसे आपको दिखेगा UK में, नेदरलैंड्स में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका. सो यू नो दीज कंट्रीज हैव अ पूल ऑफ क्रिकेट एंथूजियास्ट. एंड अगर आप इसका डेटा सर्च करेंगे, सो इफ यू सी फ्लाइट सर्च डेटा बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ अगेन 1 अक्टूबर टू 20 नवंबर, सो यू विल सी देयर इज 15% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन फ्लाइट्स फ्रॉम दीज क्रिकेट नेशंस टू इंडिया बिटवीन दिस टाइम पीरियड. अमेजिंग, राइट? एंड Airbnb's डेटा और Airbnb's स्टेटिस्टिक्स ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्स दिस फैक्ट दैट यू नो पीपल आर लुकिंग फॉर प्लेसेस एंड पीपल आर लुकिंग फॉर चेकिंग इन द सिटीज विच आर hosting this particular tournament. Like if you see, for example, 14th October ko India aur Pakistan ka match tha. एंड Airbnb का डेटा कहता है कि अहमदाबाद में चेक इन के लिए, अहमदाबाद में स्टे के लिए, यू नो इट सॉ अ मैसिव सर्ज, मैसिव इंक्रीज इन द नंबर. लाइक अप्रॉक्सीमेटली 4000% इंक्रीज देखा गया है फॉर सर्चेस in bookings for particular stay in Ahmedabad. So this is what cricket fever is all about. Basically क्या होता है कि यहाँ पे international tourist तो आ ही रहे, but अगर हम domestic की भी बात करें, within India की बात करें, so I will quote it like from my own example or you know what I have observed. Like India-Pakistan match was being hosted in Ahmedabad on 14th October. So people who went from Delhi to Ahmedabad to witness this match, they actually stayed back. Why? Because 15th October से Navratri start हो रही थी and people wanted to attend the famous Dandiya and famous Garba nights of Gujarat. So it helps the local economies as well. And this is how you know the revenues are generated there. बात करें अगर restaurant और food delivery की, so जब cricket match होता है and specifically जब India का match होता है किसी भी opponent के साथ, उस time पर people who visit restaurants, so आजकल eateries, pubs, you know, and the famous restaurant, what they do is एक large screen लगा देते हैं and जब कोई big screen लगा दिया, आप ऐसे restaurant में पहुंच गए हैं, so it is normal the vibe of the place is such कि आप you will tend to sit for longer duration and once you sit for longer duration, you will place food order, you will place drink orders and यही चीज यू नो मोनेटाइज करी जा रही है बाय द रेस्टोरेंट्स, जो कि दे आर विटनेसिंग अ मैसिव इंक्रीज इन सेल्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स ड्यूरिंग द मैच और ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग ऑफ द मैच, विच इज बीन वेरीफाइड बाय यू नो जोरावर कालरा, यू नो द फर्जी कैफे चेन ओनर, एंड ऑल्सो यू सी द
that, you know, Cafe Delhi Heights, which is very famous cafe. So they've witnessed 15-30% increase in the sale during the time of, you know, the screening of the match. So us time par log bahut zyada order karne lagte hain. Us time pe log jab visit karte hain wahan pe, to unki sales increase ho rahi hai. Isi ke saath jo tier 2 cities aapko dekhne ko milengi, jaise Agra, Jabalpur, Faridabad, ye sari jagahon mein Eat Sure platform ke through aapko bahut zyada order dekhne ko milenge, especially during the screening of the match. And similarly, if you see, जो लोग रेस्टोरेंट नहीं जा रहे हैं, जो लोग घर पे मैच देख रहे हैं, वो लोग आपको देखेंगे, आपकी वो फूड डिलीवरीज के ऑर्डर बहुत ज्यादा प्लेस करने लगते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू सी इंडिया पाकिस्तान का जब मैच हो रहा था ऑन 14th October, सो स्विगी हैज क्लेम कि देयर वर 250 बिरयानीज बीइंग ऑर्डर्ड पर मिनट. एंड इफ यू सी स्विगी से उसी दिन अप्रोक्सीमेटली 11,000 पैकेट ऑफ ब्लू लेस एंड 8,500 पैकेट ऑफ ग्रीन लेस वर बीइंग ऑर्डर्ड. एंड स्विगी ऑल्सो क्लेम्स दैट यू नो ओवर 1 लाख कोल्ड ड्रिंक्स वर सोल्ड फ्रॉम स्विगी प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मैच ओनली. सो ड्यूरिंग दैट आवर, अभी हम बाकी आगे पीछे की तो बात ही नहीं कर रहे हैं. सो यू नो देर हैव बीन अ ह्यूज ह्यूज सेल्स इंक्रीज इन द सेल्स. इफ यू सी रिबेल फूड्स, विच इज अ पेरेंट कंपनी टू भैरोज बिरयानी, फासोस एंड अवन स्टोरी, दे से दैट दे हैव विटनेस 100% वीक ऑन वीक इंक्रीज इन द ऑर्डर्स, विच इज रियली अमेजिंग. सो यहाँ इस तरह से फूड एंड रेस्टोरेंट सेक्टर जो आपका है, बेसिकली वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप इज एक्चुअली हेल्पिंग फूड इंडस्ट्री अलॉट, एंड बी इट रेस्टोरेंट्स, बी इट फूड डिलीवरीज, दे आर सीइंग अ मैसिव मैसिव बूम इन देयर सेल्स. ओके, एंड देन इफ वी टॉक ऑफ रिटेल एंड मर्चेंडाइज सेक्टर, सो इंडियन फैंस जो भी जाते हैं मैच देखने या कोई घर से भी देखता है, दे आर वेरी क्रेजी एंड दे आर वेरी अटैच टू यू नो द जर्सी एंड द कैप्स विद द टीम लोगोस. सो उसकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. सो रिटेलर्स आर एक्सपेक्टेड टू सी अ बूम इन यू नो द सेल्स ऑफ द मर्चेंडाइज. एंड एक और चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिलती है आपको, आपको बैनर्स देखने को मिलेंगे, आपको फ्लैग्स देखने को मिलेंगे स्टेडियम में. सो इन सब की सेल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. एंड जो लोग स्टेडियम जाके मैच नहीं देख रहे हैं, उनको वो टीवी पे मैच देखते हैं, तो टीवी की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. ये वेरीफाई किया गया है बाय सैमसंग, जिसने 5-fold इंक्रीज देखा है इन दी सेल ऑफ 75-inch टीवी. सो अमेजिंगली यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर्स, हमारे जो डेटा, जो बेसिकली व्हाट वाज एक्सपेक्टेड व्हेन द वर्ल्ड कप वाज बिगिनिंग, दैट इट विल एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ यू नो and it will contribute to Indian economy and it will generate revenue for us. So these were the claims. But as and soon as and when the matches are happening, and thankfully since India is emerging as winner in every match until now, so you see that you know everything is taking turn in a very positive direction. And you see ki Indian economy ko har sector ke through bahut zyada revenue generation ho raha hai. Jo tickets hain, normally aap dekhenge to jam pack stadiums aapko dekhne ko milte hain, ticket ke prices bahut zyada hote hain, to kitna kitna रेवेन्यू आ रहा है. अभी रिसेंटली ही ऐसा हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जब हुआ था 14th अक्टूबर को, उस टाइम पे जो व्यूअरशिप थी हॉटस्टार पे, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे मैक्सिमम पहुंच गई थी 3.5 करोड़. बट रिसेंटली इंडिया न्यूजीलैंड के मैच ने उसको बीट कर दिया, एंड दैट व्यूअरशिप व्हेन इंडिया वाज बैटिंग ड्यूरिंग द लास्ट 10 ओवर्स, इट एक्चुअली वेंट अप टू 4.3 मिलियन, विच इज you know which is amazing. It's 4.3 crore, pardon me for this. So from 3.5 crore to 4.3 crore, it is a huge jump. And you know this has been the maximum viewers that has ever been witnessed on the Hotstar platform. So with all this data, what I'm trying to convey is that, you know, the Cricket World Cup, the ICC World Cup is actually not just an emotion, not just a sport. ये cricket नहीं है या World Cup आ जाएगा हमारी economy में तो वो एक cup नहीं है या हम जो match देख के खुश होते हैं, ये सिर्फ उतना नहीं है. It is actually helping, you know, boost the Indian economy. We are here, we are sitting watching this video. Who all are watching this video right now? You can just can relate and you know just get to feel this कि a lot many people are related and linked to these matches. Massive employment is being generated, revenues are being generated, and Indian economy is actually experiencing a boom. So this is helping our economy a lot. And with this, I would just wrap up this video. I hope you liked the data and you liked everything, the points that I mentioned. And you know, I hope India emerges as a winner and we take the cup, and the cup remains home, and the cup is, you know, here, and we are enjoying the rest of the matches. So all the best to the Indian team, and hope you all like this video. Please like, share, subscribe kar do, thoda pyar do is channel ko, videos ko, and you know, I will come up and see you with the next video. Until then, take care everyone, and bye bye.
finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. And it's an Indian captain who's been absolutely magnificent.